राजा देवदत्त राज किया करते थे, लेकिन उसको तीन रानियां थी, लेकिन भगवान के करने उसको औलाद नसीब नहीं हुई। काफी दिन बीत जाता है कि साधुगण उसके राज में आते हैं और हवन करने लग जाते हैं, और राजा देवदत्त भी वहां पहुंच जाते हैं। तो राजा को देख के साधुगण कहते कि महाराज इतने नाराज क्यों के साधु जी 100 यज्ञ विश्व वेश करा लिए फिर भी काल परसे बदमा विष्णु सब्जी बोला तिन्नू झोट करे से। तो क्या बात कंधा है साधु जी, हर एक चीज की राज में मौज है लेकिन पुत्र संतान की प्राप्ति नहीं है। तो वे साधु उसको वरदान देते हैं कि आपकी बड़ी बड़ी और रानी फूल को हाल का एक बच्चा जन्म लेगा और बहुत ही होनहार लड़का होगा। जब इतनी बात राजा ने सुनी तो रानी के पास आकर न्यूकन लग गया, बेटे का वरदान रानी पाया पढ़ के ले, और जिस दिन लड़का हो जा कुछ दिन ब्राह्मण आने दे। मांगे राम छोड़िए मत ना धर्म कर्म की डोरी, बेटे के रह जाएगी आप धन माया की बोरी, बेटे बिना रह गोरी हम कुछ भी ना थे, और जिस दिन लड़का हो जा कुछ दिन ब्राह्मण आने दे। तो वरदान देख के वो साधुगण चल पड़ते हैं। उसी दिन से रानी गर्भवती ठहर जाती है। तो अगले 9 महीने रानी कैसा स्वभाव होता है, क्या खाना शुरू करती है, क्या छोड़ती है, कभी नहीं एक बात के द्वारा बताया कैसे बोला। हरी हरी रटती
चंदन हो समाई समाई
कला।